गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग रूट ट्रस्ट के बारे में पढ़े थे, तो हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि आपका सिंगल रूट ट्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ा चुके, तो आज डबल और पार्लिंग रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो डबल और पार्लिंग रूट क्या होता है कि आपका, जैसे प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आपका उसमें सिंगल जो ट्रस्ट था उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे थे। उसी में आपका जो है, आपका कॉमन ड्राफ्टर, आपका जैक राफ्टर, ये सब जो है, ये सब की मदद से वहाँ पर हम लोग युद्ध किए थे। हम लोग यहाँ पर करेंगे कि पर्लिन बीच में मिडिल में प्रोवाइड करेंगे, जो राफ्टर हमारा लगा रहता है कॉमन राफ्टर, कॉमन राफ्टर को हम लोग यहाँ पर सपोर्ट्स देने के लिए आपका यहाँ पर यूज करते हैं आपका पर्लिन का। तो पर्लिन क्या होता है कि जैसे मेरा कॉमन राफ्टर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ से रहता था, आपका जो वाल प्लेट था, दो वाल प्लेट या फिर आपका ऊपर में रिस्ट पोर्शन था और नीचे जो वाल प्लेट था, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पर्लिन को प्रोवाइड कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डबल और पर्लिन रूफ। ठीक है, इसमें हम लोग पर्लिन जो है एक्स्ट्रा, ये वाला जो आपका इसको रेड कलर में दिखा रहे हैं, ये आपका मिडिल पोर्शन में हम लोग क्या किए कि एक पर्लिन को हम लोग यहाँ पर यूज किए। तो दो साइड में हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर मेरा वाल प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, वाल प्लेट, और यहाँ पर क्या है कि आपका इस पोर्शन पे मेरा जितना ये रिस्ट पोर्शन है, छत का सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है रूप के साथ। यहाँ पर यूज करने के साथ क्या हो रहा है कि हम लोग जो सरफेस एरिया है या फिर जो स्पेन का एरिया है, तो स्पेन एरिया हम लोग का बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ पर 2000 पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग ये पढ़ लेते हैं। दीज रूप्स आर टू बेसिक एलिमेंट, आपका राफ्टर, दूसरा है क्या आपका पर्लिन। तो राफ्टर और पर्लिन का जो इसका दो बेसिक एलिमेंट है, उसके साथ हम लोग जो है आपका डबल रूप कहलाता है। पर्लिन गिव्स आर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स टू द राफ्टर, मतलब इंटरमीडिएट पर्लिन क्या काम क्या है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट देता है जो आपका राफ्टर है, ठीक है। टर्न रिड्यूस टू साइड ऑफ द राफ्टर इकोनॉमिकल रेंज, मतलब यहाँ पर जब आपका जो आपका साइज होता है उसके हिसाब से ये आपका टर्न होने के लिए नहीं देता है, इस तरह से आप यूज करते हैं। इज नॉन एज राफ्टर एंड पर्लिन रूप, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं कि राफ्टर एंड पर्लिन रूप कहते हैं। राफ्टर आर प्रोवाइडेड एट 20-40 सेंटीमीटर सीसी, यानी कि अभी क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर लिख रहा है कि यानी कि इधर से भी आपका होगा और इधर से भी होगा, तो दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस आएगा यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ये आपको क्या रहा है कि यहाँ से 22 आपका 40, इधर भी आपका 20 बढ़ सकता है, 20 से 40 हो सकता है, और इधर भी आपका 20 से 40 हो सकता है, तो दोनों को इधर से बढ़ते जाएगा सेंटीमीटर के हिसाब से, इसका हम लोग यूज करेंगे। ईच राफ्टर सपोर्टेड टू 3 पॉइंट्स, यहाँ पर रिस्ट हो गया, मतलब कि आपका अपर पोर्शन हो गया, पर्लिंस हो गया एंड वॉल प्लेट, ये तीनों का मदद से यहाँ पर आपको यहाँ पर डबल रूफ बन जाता है। फॉर द लार्ज रूफ एंड टू मोर पर्लिंस आर मेड प्रोवाइडेड टू, यहाँ पर सपोर्ट्स के लिए इस राफ्टर के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि टू और दो या दो से अधिक हम लोग यहाँ पर पर्लिंस को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक पर्लिन का यहाँ पर हम लोग देते हैं, तो वो मेरा डबल रूफ कहलाता है। तो ये आपका है डबल रूफ का फिगर। ठीक है, ये आपका फिगर है, इसमें दिया गया है ये रिस्ट पोर्शन है, और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि वॉल प्लेट है, दोनों के बीच में हम लोग जितने भी सारा आपका राफ्टर को लगाया है या फिर कॉमन राफ्टर है या जैक राफ्टर है, राफ्टर को यूज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिडिल पोर्शन पे इसको भी हम लोग सपोर्ट देने के लिए क्या कर रहे हैं कि पर्लिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पर्लिन का यहाँ पर इस्तेमाल किए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कॉलर बीम को प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि जो पर्लिन है उसको भी सपोर्ट देने के लिए हम लोग कॉलर बीम का यहाँ पर यूज किए। ठीक है, सेकंड जो फिगर है, सेकंड फिगर में भी सेम इसी तरह है, राफ्टर यूज किए हैं, ऊपर रिस्ट बीम है, ऊपर अपर पोर्शन पे फिर राफ्टर का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग जहाँ पर आपका इसको यूज करना था पर्लिन को, पर्लिन की जगह प्लेस पे वहां पर आपका एक पोस्ट को हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं।
यानी वर्टिकल डायरेक्शन में पोस्ट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो वाल मेरा जो टाई बीम है, टाई बीम के ऊपर से हम लोग उसको प्रोवाइड कर देते हैं। टाई बीम क्या कहाँ रखा रहता है, तो वाल प्लेट पे रखा रहता है, तो यानी कि राफ्टर भी आकर वाल प्लेट पे लगता है और ये भी आपका वाल प्लेट पे लगता है, और दोनों को उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं और हैंजर का इस्तेमाल करते हैं। हैंजर और बाइंडर का यहाँ पर यूज करके यहाँ पर जो आपका पर्लिन्स को यहाँ पर सपोर्ट्स करते हैं, पर्लिन को सपोर्ट्स करने के लिए ही हम लोग इस दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में यूज किया। ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है रेड, ये वाला जहाँ पर रेड वाला लगा रहा है, ये आपका पर्लिन है। पर्लिन को सपोर्ट्स देने के लिए यहाँ पर बाइंडर का यूज किए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको यहाँ पर जो है आपका लगाया है एक पोस्ट को, इसके हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन से हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं राफ्टर का। अब आगे चलते हैं, रूफ ट्रस। रूफ ट्रस क्या है, एक्सीड फॉर द 5 मीटर, जब 5 मीटर से अधिक बढ़ जाता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि रूफ ट्रस का यूज करते हैं। तो क्या बढ़ता है मेरा स्पेन एरिया, यानी कि दो आपका ठीक है बीच का जो एरिया है, दो पोर्शन का जो दो वाल के बीच का पोर्शन का जो एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेन। तो स्पेन मेरा बढ़ रहा है, यानी कि इधर से भी आपका जो है डिस्टेंस होगा, इधर भी होगा, इस दोनों का जो डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर फिगर बना नहीं पा रहे हैं, अच्छा फिगर में दिखा देंगे। तो जो स्पेन एरिया है, यानी कि दो वाल के बीच का जो स्पेन एरिया है वो मेरा इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आपका जहां से 5 मीटर से ज्यादा अधिक बढ़ जाता है स्पेन एरिया, वहां पर हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो स्पेसिंग लिमिटेड 3 मीटर टू वुडन ट्रस, यानी कि वुडन ट्रस रहेगा तो उसका 3 मीटर एक्सीड करेगा, तब हम लोग यहाँ पर वुडन ट्रस को यहाँ पर जहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, 5 मीटर एक्सीड कर रहा है यानी कि लिमिटेड रहेगा, या 3 मीटर से ज्यादा हम लोग वुडन ट्रस को नहीं लगाते हैं, स्पेसिंग जो देंगे लिमिटेड स्पेसिंग जो प्रोवाइड करेंगे वो 3 मीटर से ज्यादा ट्रस में नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन दिस सिस्टम्स द रूफ कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट से बना हुआ रहता है रूफ, पर्लिंस एंड ट्रस, तीनों का आपका सपोर्ट्स के से यहाँ पर बना हुआ रहता है आपका रूफ ट्रस। इसमें क्या क्या कैसे होता है, तो आपका राफ्टर का काम क्या है, टू सपोर्ट द आपका रूफिंग मटेरियल, जो रूफिंग मटेरियल है उसको हम लोग सपोर्ट्स करने के लिए करते हैं। तो रूफिंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है, तो ऊपर में हम लोग जो है टाली का यूज करते हैं, ठीक है टाइल्स का यूज करते हैं, आपका जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइल्स आ गया, इलाहाबादी टाइल्स है, फिर आपका सेंचुरी टाइल्स है, ये सब जो है आपका टाइल्स के ऊपर आपका एक कवरिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसको सपोर्ट्स देने के लिए हम लोग राफ्टर का यूज करते हैं। तो कॉमन राफ्टर के ऊपर में ही हम लोग क्या करते हैं, सारा जो आपका राफ्टर के ऊपर में ही हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे हैं उसको यूज करते हैं। फिर आता है पर्लिन। तो पर्लिन क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट देते हैं राफ्टर को, राफ्टर को सपोर्ट देने के लिए हम लोग पर्लिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ट्रस है प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंड पर्लिन, जितने भी सारे जो पर्लिन का पर्लिन वगैरह का जो इंड पोर्शन आता है उसको हम लोग सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जितने सारे यहाँ पर यूजेस था, हम लोग यहाँ पर देखे कि इस तरह से आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आपका टाइप्स ऑफ ट्रस, यानी ट्रस में आ गया है तो ट्रस का जितने भी सारे टाइप्स है उस टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला है किंग पोस्ट, फिर दूसरा है क्वीन पोस्ट, फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन किंग एंड क्वीन पोस्ट, ठीक है ट्रस, फिर है मैंसर्ड, फिर है ट्रेंस्ड, फिर है आपका बेलफास्ट, बेलफास्ट ट्रस और आपका स्टील ट्रस और एक कंपोजिट ट्रस। इतना सारा जो ट्रस के बारे में दिया गया है इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। पहला है किंग पोस्ट ट्रस, कंपोजिट एलिमेंट्स क्या है कि लोअर टाई बीम वहां पर प्रोवाइड कराता है, लोअर टाई बीम जो हम लोग को टाई बीम था उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि आपका 2 इंक्लूडेड प्रिंसिपल राफ्टर, यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर को यहाँ पर दे देते हैं। आंटी वो लास्ट में है उसको उठा लेते हैं, वहां पर जो बाल्टी रखा होगा उसके बगल में जो कचरा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर जो है आपका पर्लिन का यूज करते हैं। पर्लिन सपोर्ट्स टू ए क्लोजली
स्पेसेस कॉमन राफ्टर विच द हैव द सम स्लोप ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल राफ्टर है उसका कॉमन सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है आपका स्लोप के साथ। द कॉमन राफ्टर सपोर्ट रूफ कवरिंग, यहाँ पर जो कॉमन राफ्टर का यूज कर रहे हैं रूफ कवरिंग के लिए, तो रूफ कवरिंग हम लोग प्रीवियस में भी आपका पढ़े थे कि उसको जो कॉमन राफ्टर है उसका जो अपर पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि आपका सपोर्ट्स के लिए, यानी कि जितने भी सारे जो आपका कवरिंग मटेरियल है उसको हम लोग करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ स्पेसिंग लिमिट जो होगा आपका 3 मीटर सेंटर टू सेंटर होगा, जहां आपका सेंटर टू सेंटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो 3 मीटर का ही होगा, 3 मीटर से ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके साउंड आ रही है? यस सर? नो? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका सुटेबल स्पैन जो एरिया होगा 5 to 8 meters, हम लोग जो स्पेन का एरिया पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले कि ये स्पेन का एरिया, तो दो दो आपका वाल का बीच का डिस्टेंस, दो वाल का बीच का डिस्टेंस 5 to 5 to 8 meters का हम लोग यहाँ पर वेरी कर रहा है। हम लोग लगा सकते हैं जहां पर 5 meters होगा वहां पर भी यूज कर सकते हैं, जहां पर 8 meters होगा वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 to 8 meters तक में हम लोग जहाँ पर है उसको यूज करते हैं। बीम पर प्रिवेंट द वाल फ्रॉम द स्प्रेडिंग ड्यू टू थ्रस्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जो प्रिवेंट वाल जो हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्रेडिंग के, आपका जो उसके ऊपर में हम लोग जो रखा हुआ है उसके थ्रू जो आपका हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं जो टाई बीम है, टाई बीम जो होगा वाल ट्रस के दोनों सपोर्ट्स को हम लोग देने के लिए दोनों साइड से हम लोग प्रोवाइड किए हैं। तो आइए फिगर में हम आपको दिखाते हैं कि फिगर में उससे पहले है आपका क्विंग हो गया, द किंग पोस्ट प्रिवेंट टू द टाई बीम एंड सैगिंग एट इट्स द सेंटर टू स्पैन। वहां पर जो होगा इंडस्टैन के साथ वहां पर जो है किंग पोस्ट को हम लोग प्रिवेंट करते हैं अगर सैगिंग वगैरह वहां पर सेंटर पे ना हो, इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। द स्टार्ट्स कनेक्टेड टू द टाई बीम, यहाँ पर टाई बीम के साथ यहाँ पर कनेक्टेड रहता है टू द प्रिंसिपल राफ्टर। यहाँ पर देखो कि जो कनेक्टेड टू द आपका टाई बीम है, टाई बीम के साथ कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल राफ्टर, यानी कि जो प्रिंसिपल राफ्टर का यूज कर रहे हैं ये वाला, तो ये कनेक्टेड यहाँ पर जो है इसको यूज किए हैं, तो इसके साथ यहाँ पर हम लोग इसको यूज किए हैं। फिर क्या है, रिस्ट बीम प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द प्रिंसिपल राफ्टर। रिस्ट बीम का जो होगा सपोर्ट जो होगा आपका प्रिंसिपल राफ्टर को हम लोग कर रहे हैं, तो रिस्ट बीम रिज पोर्शन जो होगा उसको प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट्स देने के लिए यहाँ पर यूज किए हैं। फिर आएगा कि द ट्रस इज सपोर्टेड टू अ बेड ब्लॉक, ठीक है, बेड ब्लॉक्स टू द स्टोन्स कंक्रीट, यहाँ पर जो है आपका कंक्रीट जो वहां पर जो ब्रिक बॉन्ड किए हैं या फिर ब्लॉक्स प्रोवाइड किए हैं वहां पर स्टोन्स को हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एम्बेडेड इन द सपोर्टिंग वॉल सो दैट द लोड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ग्रेटर एरिया, ठीक है, ग्रेटर एरिया यहाँ पर जो होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो इन पोर्शन पे स्टोन्स आपका टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है, इससे क्या होगा कि आपका जो वॉइस कट रहा है, आवाज कट रही है, अभी आ रहा है? यस सर, ना अभी आ रहा है साउंड? सर ट्रस्ट बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है सर, साउंड कट के तो कभी कभी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अभी आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर यूज किए हैं, साउंड आ रहा है ना, तो चाहिए ऐसे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा हमको, साउंड क्लियर है? यस सर। ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि रूट ट्रस के साथ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्लेट फिक्स टू प्रिंसिपल राफ्टर टू प्रिवेंट टू पार्लिंग्स एंड पार्लिंग्स फ्रॉम द टाइलिंग, यहाँ पर पार्लिंग के साथ टाइलिंग के साथ यहाँ पर जो है आपका यूज किए हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पर देख लिया रूफ ट्रस,
यहाँ पर कॉम्बिनेशन जितने भी सारे पार्ट्स है यहाँ पर जो इसके थ्रू फिक्स किया जाता है, ठीक है, ये टेंशन मेंबर हो गया और ये मैं ये मोर्टाइज का ये पोर्शन है, होल पोर्शन में इसको हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग जिसको ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपका जितने भी सारे आपका वुडन का हम लोग ज्वाइंट पढ़े थे, लैप ज्वाइंट, बर्ड ज्वाइंट, आपका टी ज्वाइंट, इसी ज्वाइंट के मदद से हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। अब आगे चलते हैं आपका क्वीन पोस्ट। तो क्वीन पोस्ट ट्रस क्या होगा कि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किंग किंग पोस्ट के साथ, वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल पीस को कनेक्टेड कर देते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेनिंग बीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेनिंग बीम को ही हम लोग बोलते हैं आपका क्वीन पोस्ट। तो कैसा दिखता है आपको ये दिखाते हैं, ये है आपका क्वीन पोस्ट, ठीक है, ये आपका क्वीन पोस्ट ट्रस है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका स्ट्रेनिंग जो पोर्शन है, तो फिगर नहीं दिख रहे सर। हाँ अभी दिख रहा होगा, फिगर शो नहीं हो रहा, फिगर नहीं दिख रहा। नो सर, वही द किंग पोस्ट प्रिवेंट्स द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट सेंटर ऑफ स्पेन, यही वाला दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, देखो एक टुक दिखाई दे रहा है, टुक नहीं दिख रहा है। तुम्हारा नेटवर्क नहीं होगा, तुम नेटवर्क में जाओ आएगा, इसलिए लैगिंग भी कर रहा है साउंड और दिक्कत भी हो रहा है। हमको तो दिख रहा है मेरे फोन में, तो यहाँ पर जो है आपका दिख रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग पोर्शंस है, ये जो आपका स्ट्रीमिंग पोर्शंस है स्टील्स, यहाँ पर स्टील्स प्रोवाइड किया गया है। ये आपका जो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ क्लेट के थ्रू यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। क्लेट क्या है कि जितने भी सारे ज्वाइंट करने के लिए मटेरियल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेट। इसके थ्रू यहाँ पर क्या किए हैं, ये पोर्शन पे देखो यहाँ पर्लिंस प्रोवाइड किया है, पर्लिन को लगाने के लिए क्लट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका राफ्टर लगा हुआ है अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन में राफ्टर है। ये आपका जो पोर्शन हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में दो पोस्ट प्रोवाइड किए हैं। आपका किंग में क्या था, सिंगल पोस्ट था, किंग में आपका सिंगल था और आपका इसमें डबल है। यहाँ से किंग में क्या था कि सिंगल पोस्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे किए थे, और क्वीन में क्या कर रहे हैं कि टू पोस्ट को हम लोग आपको लगा रहे हैं, एक और दो, दो पोस्ट को प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ हम लोग दो स्ट्रीमिंग बीम के साथ इसको कनेक्टेड कर दिए, जो आपका स्ट्रीमिंग बीम है इसको साथ हम लोग कनेक्टेड कर दिए हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वीन पोस्ट। फिर इसके साथ हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट के थ्रू यहाँ पर इसको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग इसको भी ज्वाइंट कर दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि आपका पर्लिंस को प्रोवाइड किए हैं। यहाँ देखो पर्लिंस है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका पर्लिंस लगा हुआ है, पर्लिन यहाँ पर दोनों पोर्शन पे प्रोवाइड किया गया, पर्लिन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ की यहाँ पर पर्लिन क्लाइंट का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर में यहाँ से देख रहे क्या कि इसको इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक हम लोग क्या किए हैं कि आपका राफ्टर का यूज किए हैं। जितने भी प्रकार का राफ्टर होगा उसका यूज करेंगे, अपर डायरेक्ट अपर से लेकर आपका लोअर तक यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो दिख रहा है कि आपका कॉमन राफ्टर का यूज किए हैं, ये आपका कॉमन राफ्टर है। यहाँ पर रिस्ट बीम लगा हुआ अपर पोर्शन पे, यानी कि यहाँ जो पोर्शन होगा इस पोर्शन पे यहाँ पर रिस्ट बीम लगा हुआ है, ठीक है। तो रिस्ट बीम यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब ये जो आपका पोर्शन नीचे में क्या है, ये आपका हर एक की तरह ये भी आपका टाई बीम यहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है, यहाँ पर टाई बीम प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये जो आपका स्टड यहाँ पर इस पोर्शन से यहाँ पर तक प्रोवाइडेड है, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपका स्टड प्रोवाइडेड किया है। ये हमारा क्वीन पोस्ट है। तो क्वीन पोस्ट हम लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई इसमें दिक्कत है पूछ सकते हैं क्वीन पोस्ट में। अब हम लोग किंग के साथ क्वीन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, किंग के क्वीन के साथ इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फिर इसको हम लोग ट्रस्ट में डालेंगे, ठीक है। बहुत सारा जो इसमें हम लोग मिक्सिंग करके हम लोग करेंगे, जैसे जैसा स्पेन एरिया बढ़ेगा मेरा वैसे वैसे आपका लोडिंग इसके साथ आपका बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ किंग एंड क्वीन पोस्ट। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कर दिए हैं। कॉम्बिनेशंस में एक्स्ट्रा क्या है कि आपका जो ये स्पेन एरिया है यहाँ पर जो होगा फॉर ग्रेटर देन आपका 18 मीटर या 18 मीटर से अधिक बढ़ेगा तब इसका हम लोग जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिस पोस्ट के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल राफ्टर यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि आपका प्रिंसिपल राफ्टर है। यहाँ पर प्रिंसिस राफ्टर भी यहाँ पर यूज किया गया है।
दो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर अलग अलग नाम है उसको हम यहाँ पर यूज करके यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर क्वीन पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लिए इस क्वेश्चन पे एक यूज किए हैं स्ट्रीनिंग बीम का, और यहाँ पर होगा ये आपका एक क्वीन पोस्ट, ये भी आपका क्वीन पोस्ट। क्वीन पोस्ट का यूज करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं किंग पोस्ट, आपका इस क्वेश्चन से यहाँ तक किंग पोस्ट का यूज किए। किंग पोस्ट के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये इस क्वेश्चन में भी आपका इस क्वेश्चन तक हम लोग क्या किए कि प्रिंसेस पोस्ट का यूज किए, फिर यहाँ से यहाँ तक भी प्रिंसेस पोस्ट का यहाँ पर यूज किए, ठीक है। फिर आपका स्क्रीनिंग बार कौन सा है, इस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन स्क्रीनिंग बार क्वेश्चन प्रोवाइड किए, यहाँ से भी आपका स्क्रीनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए कि ये जो आपका स्पेन एरिया है, स्पेन एरिया क्या होता है कि ये जो आपका वाल लगा हुआ है इधर पट्टी, इधर लास्ट इन पोर्शन पे आपका वाल होगा और इस पोर्शन पे वाल होगा, दो वाल का बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पेन एरिया। ये जो स्पेन एरिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका स्पेन एरिया, तो यहाँ पर हम लोग स्पेन लिख सकते हैं, ठीक है, तो स्पेन एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये जोड़ा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं टाई बीम, ये टाई बीम लगा हुआ और ये पोर्शन क्या है राफ्टर का यूज किए हैं, यहाँ पर रिस्ट पोर्शन है, इस पोर्शन पे हम लोग रिस्ट पोर्शन का यूज किए हैं। रिस्ट पोर्शन के साथ यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं कि आपका इस पर राफ्टर का यूज कर दिए हैं, राफ्टर को लगा दिए इस पोर्शन से इस पोर्शन तक राफ्टर का यूज कर दिए हैं, ठीक है। और ये आपका स्टार्ट पोर्शन कहलाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा, ये वाला पोर्शन भी स्टार्ट होगा, इस पोर्शन में भी हम लोग स्टार्ट का यूज किए हैं, इस पोर्शन में भी स्टार्ट्स का यूज किए। तो ये हमारा क्वीन पोस्ट और किंग पोस्ट का कॉम्बिनेशन यूज किए हैं। कॉम्बिनेशन मतलब यार आपका मेंबर मतलब कि जो आपका स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, जो ट्रस है ट्रस का स्ट्रेंथ के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो ग्रेटर स्पेन एरिया हम लोग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज किए। स्पेन एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए कि क्वीन पोस्ट का ही और साथ में हम लोग किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट दोनों को हम लोग मिलाकर यहाँ पर हम लोग एडिशन करके हम लोग प्रोवाइड कर दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, मैंसर्ड रूट ट्रस। तो मैंसर्ड वाला प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके थे कि मैंसर्ड क्या होता है, आइए फिगर दिखाते हैं। मैंसर्ड यही है आपका फिगर जो दिख रहा है टोटल, ये आपका मैंसर्ड। मैंसर्ड क्या है कि हम लोग एक का एक जो आपका स्लोप था उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मैंसर्ड। मैंसर्ड ट्रस रूट ये हो गया का, इसी को हम लोग बोलते हैं तो मैंसर्ड ट्रस रूट, ठीक है। डिजाइनर फ्रांसिस फ्रैंकोसी मैंसर्ड, यहाँ पर उसका नाम है फ्रैंकोसिस मैंसर्ड, ठीक है, ये आर्किटेक्ट थे, उन्हीं का नाम पे इसका नाम ट्रस्ट पड़ गया, ठीक है। ये आपका टू स्टोरेज बिल्डिंग होता है, टू स्टोरेज ट्रस्ट है, यानी कि दो दो तल्ला जो ट्रस्ट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। विच इज द अपर पोर्शन होगा कंसिस्ट टू ए किंग पोस्ट, अपर पोर्शन में किंग पोस्ट और जो नीचे पोर्शन होगा उसमें क्वीन पोस्ट, दोनों का मदद से हम लोग इसको बनाते हैं। द इंटायर ट्रस्ट इज टू पीस, यहाँ पर दो पीस प्रोवाइड किया जाता है। द अपर पीच इज किंग पोस्ट ट्रस और नीचे आपका 30-40 डिग्री के अति में रहेगा और ये आपका 60 डिग्री से रहेगा क्वीन पोस्ट, यहाँ पर 60-70 डिग्री यहाँ किंग पोस्ट प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे हम लोग समझ पाएंगे, यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर है आपका 60-70 डिग्री, ये डिस्टेंस ही आपका 69 के आसपास है, ये आपका 70 डिग्री के आसपास है, ये आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका टू टाइप्स ऑफ यहाँ जो है एंगल का यूज किया गया है। द यूजेस ऑफ ट्रस रिजल्ट इकोनॉमी एंड स्पेस साइंस सीन्स फॉर रूम मे बी प्रोवाइडेड बिटवीन द टू क्वीन पोस्ट, यहाँ पर जो है सिंस रूम में भी प्रोवाइडेड इनटू टू, इस एक रूम में हम लोग जो है दो क्वीन पोस्ट प्रोवाइड करके यहाँ पर यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर सारे पार्ट्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस पोर्शन पे सारा का नाम है, ठीक है,
वर्टिकल डायरेक्शन में साहब हम प्रीवियस में ही बता दिए कितना इसका डायमेंशन है, आपका डायमेंशन वगैरह भी इसमें आपका दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं, आपका ट्रेंस रूप, यानी कि ट्रेंस रूप क्या है कि आपका कुछ आपका स्लोप प्रोवाइड करें, अपर पोर्शन पे कुछ हम लोग स्लोप प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर क्वीन पोस्ट प्रोवाइड करेंगे आपका, इस तरह से आपका क्वीन पोस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका प्रिंसिपल राफ्टर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसी को हम लोग देंगे आपका सी आपका ये। अब हम लोग जो है ये आपका, ये भी आपका टू स्टोरेज बिल्डिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। टू स्टोरेज बिल्डिंग क्या होता है कि हम लोग दो तल्ला के लिए यूज करेंगे, ये आपका दो वाल है, वाल के ऊपर में भी छोटा सा आपका इधर ऊपर में सामान रखने के लिए या फिर इसका ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर से आपका यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो तल्ला के लिए ट्रेंज रूप यूज कर देते हैं। तो ट्रेंज रूप में क्या रहता है कि जो मेरा सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग यहाँ पर दिखाया गया डोटेड लाइन में, तो सीलिंग मेरा जो डोटेड लाइन में है, ये क्या हो रहा है कि डोटेड लाइन, ये डोटेड लाइन वाला सीलिंग है, यानी ये सीलिंग जो हम लोग सिंपल में दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपर पोर्शन पे क्या करते हैं, यहाँ से कुछ आपका इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक का हम लोग एक एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। एंगल क्या होता है कि यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक गया और यहाँ थोड़ा उठा दिए, इस पोर्शन पे कुछ आपका स्लोप प्रोवाइड कर दिया। स्लोप से क्या होगा, वाटर इजिली आप वे में आपका नीचे की ओर गिर जाएगा। ये आपका यूज कहाँ होगा, जहाँ पर कम आपका रेनफॉल होता है, कम स्नोफॉल होता है, ठीक है, ये सब पोर्शन पे यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका क्वीन पोस्ट, ये वाला पोर्शन आपका क्वीन पोस्ट का यूज किया गया है, और यहाँ पर भी आपका क्वीन पोस्ट का यूज किया गया है, और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि राफ्टर का यूज किया गया है। दोनों साइड में हम लोग यहाँ पर राफ्टर को देख रहे हैं कि इस तरह से राफ्टर, और इधर से भी आपका राफ्टर का यूज किया गया, प्रिंसिपल राफ्टर का यूज किया गया। और ये आपका यहाँ दो पॉइंट का जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर टाई बीम का यूज किए हैं, और टाई बीम के साथ यहाँ पर जो होगा इफेक्टिव स्पेन। स्पेन क्या होता है कि स्पेन मतलब कि जो दो पोर्शन का बीच का डिस्टेंस को हम स्पेन एरिया बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि टोटल जो है यहाँ पर आपका रूप ट्रस में आ गया ट्रेंस, ठीक है। अब आते हैं आपका वेलफास्ट प्रूफ, ठीक है। वेलफास्ट प्रूफ क्या है कि अपर पोर्शन पे हम लोग इस तरह से क्यूब इस अपर पोर्शन को उठा देते हैं, आपका कुछ को हम लोग एक कट कोड में हम लोग इसको दिखते हैं। इसका हम लोग जो है आपका टिम्बर के साथ हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको वो अपर पोर्शन पे इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, और इसको हम लोग जो है आपका तीस मीटर जो होगा इसका स्पेन एरिया, उसको हम लोग जहाँ पर 30 मीटर तक हम लोग इसका यूज करते हैं, 30 मीटर स्पेन एरिया तक का जहाँ पर होता है, जैसे गोडाउन वगैरह हो गए, तो गोडाउन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका वेलफास्ट ट्रस्ट एंड बोस्ट ट्रेनिंग ट्रस्ट को बोलते हैं। अपर पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कोट की तरह, यानी कि अपर में आपका कुछ पोर्शन में हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कंपोजिट रूट ट्रस, यानी कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कंपोजिट रूट ट्रस, जितने भी सारे हम ट्रस पड़े थे उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, टिम्बर और साथ ही साथ जो होगा स्टील, दो को हम लोग मिलाकर यहाँ पर जो बनाएंगे उसको कंपोजिट रूट ट्रस बोलेंगे, ठीक है। तो टू मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टील एंड आपका टिम्बर। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन पे टिम्बर का यूज कर रहे हैं, कुछ पोर्शन पे हम लोग आपका स्टील का यूज कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर जो हम लोग करेंगे तो टेंशन मेंबर होगा रूट ट्रस, टेंशन मेंबर मेड फॉर द स्टील और कंप्रेशन मेंबर मेड फॉर द टिम्बर। जहां पर आपका टेंशन मेंबर होगा उसको हम लोग किससे यूज बनाएंगे, तो आपका टेंशन मेंबर को हम लोग बनाएंगे आपका लोहे से, स्टील से, और जो आपका कंप्रेशन मेंबर होगा जिसपे हम लोग लोड दे रहे हैं, यानी कि आपका जो कॉलम होगा कॉलम को हम लोग टिम्बर से बनाएंगे, और आपका बीम जो होगा बीम जैसा हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग उसको स्टील का बनाएंगे, ठीक है। उसमें टेंशन जिसमें आ रहा है, जिस पोर्शन पर टेंशन प्रोवाइडेड हो रहा है उस पर हम लोग इसका यूज करेंगे।
तो दो हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं. इट इज इफ मेंबर में आर मेड टू टिम्बर देयर द सेक्शंस बिकम्स हेरी हैवी बिकॉज इट रिड्यूसिंग द सेक्शन ऑफ द ज्वाइंट्स. यहाँ पर जो का ज्वाइंट्स वगैरह यहाँ पर टिम्बर और इसके साथ में हम लोग ज्वाइंट करके बनाते हैं स्पेशली फिटिंग द रिक्वायर्ड फॉर द जंक्शन फॉर द स्टील टिम्बर स्टील एंड टिम्बर्स मेंबर. यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट पड़ता है आपका जंक्शन पे जहाँ पर आपका फिटिंग किया जाएगा आपका स्टील के साथ आपका टिम्बर को. स्टील भी फिक्स होगा और टिम्बर भी फिक्स होगा वहां पर हो जाएगा उसमें हम लोग स्पेशल फिटिंग का यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ता है. द जंक्शंस कंपोजिट ट्रस्ट शुड बी सच दैट द कॉस्ट ऑफ द फॉरगेटेड फिटिंग. ठीक है यहाँ पर फॉरगेटेड फिटिंग और साथ ही साथ जो है इजिली यूज हम लोग इसको कर लेते हैं. तो फिगर में देखते हैं यहाँ पर जो है आपका स्टील ट्रस यहाँ पर जो रॉड है ये आपका टाई बीम जो प्रोवाइडेड गया है साथ ही साथ जो ये आपका टेंशन मेंबर है इसको हम लोग जो किंग पोस्ट और किंग पोस्ट आपका बोल्ट है इसको हम लोग जो यूज किए हैं ये आपका इस पे क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर का लोड जो है यहाँ पर पड़ रहा है साथ ही साथ जो रिज पोर्शन के साथ यहाँ पर भी आपको ये इसमें तनाव पड़ रहा है इस पोर्शन के लिए हम लोग इसको जो है आपका यूज किए हैं स्टील का और बाकी सब आपका टिम्बर का यही आपका कंपोजिट रूफ ट्रस है. ओके अब स्टील रूफ ट्रस व्हेन द स्पैन एक्सीड टू 10 मीटर जहां पर एक्सीड हो रहा है 10 मीटर से ज्यादा टिम्बर ट्रस बिकम्स हेवी एंड अनइकोनॉमिकल. ठीक है ये हैवी भी होता है और अनइकोनॉमिकल भी होता है. स्टील ट्रस आर मोर इकोनॉमिकल एंड लॉन्गर स्पैन. यहाँ पर स्टील ट्रस क्या होगा मोर इकोनॉमिकल भी रहेगा साथ ही साथ लॉन्गर स्पैन के लिए. दे आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम द रोल्ड एंड स्टील स्टील स्ट्रक्चर मेंबर सच इज द चैनल आपका चैनल्स एंगल्स आपका सेक्शन ये सब जो है आपका फैब्रिकेटेड जो होगा रोल्ड सेक्शन में हम लोग इस पे यूज करते हैं जहां पर आपका चैनल सेक्शन होगा एंगल सेक्शन होगा जहां पर एंगल बनेगा उस पोर्शन पे भी आपका इसको हम लोग यूज करते हैं इजिली. ट्रसेस आर डिजाइन इन द सच वे दैट मेंबर्स आर आइदर इन द कंपेरिजन ठीक है कंपेरिजन और इन टेंशन. ठीक है कंप्रेशन भी होगा और साथ ही साथ टेंशन भी होगा इसमें आइदर होगा मतलब ये भी लग सकता है टेंशन भी लग सकता है और कंप्रेशन भी लग सकता है. ठीक है बेंडिंग स्ट्रेसेस नॉट अलाउड टू द डेवलप्ड यहाँ पर जो होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस का यहाँ पर जो होगा नहीं हम लोग यहाँ पर अलाउ करते हैं. मोस्ट ऑफ द रूफ ट्रस आर एंगल सेक्शंस. ठीक है मोर रूफ ट्रस में यहाँ पर एंगल सेक्शंस बिकॉज दे आर द रेसिस्ट बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन इफेक्टिवली. यहाँ पर दोनों यहाँ पर मोस्ट जो होगा ट्रस में दोनों इफेक्टिवली रहता है आपका कंप्रेशन भी आपका टेंशन भी दोनों में हम लोग जो है रेसिस्ट जो बोथ हम लोग दोनों को यूज कर लेते हैं. दे आर कॉमनली यूज दे आर these day are the all spans since they are economical easy fabricated fireproof more raised ठीक है premeditated and suitable for the speedy construction. ठीक है speedy construction के लिए ये सब जो है आपका होता है. steel roof truss classifications किया गया है open roof truss north light truss बोर पोस्ट ट्रेनिंग ट्रस्ट और इन राइज ट्रस्ट. तो ये भी आपका स्टील ट्रस्ट को भी आपका चार पार्टों में डिवाइड किया गया है. ओपन ट्रस्ट यानी कि ओपन उसको हम लोग जो है आपका ट्रस्ट का यूज कर रहे हैं आपका वन साइड में हम लोग जो यूज करते हैं. फिर नॉर्थ डायरेक्शन में क्या नॉर्थ लाइट जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग जो होगा उसको ढाल प्रोवाइड करेंगे यानी स्लोप प्रोवाइड करेंगे और वहां पर जो है लाइटिंग के लिए आपका मटेरियल्स जो होगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करेंगे. ठीक है ऐसा जो उसमें जिसमें कि नॉर्थ डायरेक्शन में अंदर में आपका लाइट आ सके दिन के दौरान में वहां पर आपका लाइट अच्छे प्रकार से आ सके. ठीक है तो इसके लिए हम लोग वहां पर जो है यूज करते हैं. तो आइए फिगर में देखते हैं ये आपका नॉर्थ लाइट के लिए है. नॉर्थ लाइट के लिए आपका फिगर दिखाया गया
और ये है आपका बॉस चेनिंग, यहाँ पर कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन रिस्ट टू द वॉल ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब फिगर है, इसमें आपको देख के समझना है कि आपका किंग पोस्ट है जिसका स्पेन एरिया 4-6 है, ठीक है, रिस्ट एंड ये कार्ड पोर्ट आपका कोड का पोर्शन है, किंग पोस्ट हो गया, सिंपल फ्लिंग ट्रस हो गया, रिस्ट का कोड हो गया, ये सब पोर्शन में है, आपको ये प्रोवाइड कर देंगे तो आप उसमें अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। फिर इसका स्पेन एरिया बढ़ रहा है, हम लोग जो डिजाइन जैसा जैसा करेंगे उसका उसका अलग अलग नाम है, कंपाउंड फ्लिंग ट्रस, ठीक है, कंपाउंड होप ट्रस, ठीक है, फिर है कंपाउंड होप ट्रस्ट विथ राइज कोड, ये सब इसका नाम है। इसका स्पेन एरिया देख रहे हैं कि आपका 12-15 meters का जहां पर यूज करते हैं उस जगह पर इसका यूज करते हैं। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में लाइट के लिए आप इसको यूज करते हैं। फिर आपका मॉडिफाइड नॉर्थ लाइट ट्रस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि उसमें मॉडिफाई के लिए आपका और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं, वो स्ट्रीनिंग ट्रस्ट के लिए यहाँ पर यूज किए हैं। इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, स्टील ट्रस्ट का क्या क्या इसका एडवांटेज हो सकता है। सबसे हम लोग ऐसे ही ये इसमें देखेंगे नहीं कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, पहला हम लोग क्या देखेंगे कि अगर स्टील ट्रस है तो टिम्बर ट्रस के मुकाबले में ये क्या होगा, ये ड्यूरेबल होगा, साथ ही साथ इसमें फायर असिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेडली अवेलेबल फॉर द रिक्वायर्ड डायमेंशन रिजल्टिंग द मिनिमम वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम वेस्टेजेस होता है आपका स्टील का, ठीक है, लाइट इन वेट एंड कैन बी फैब्रिकेटेड इनटू द एनी शेप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो होगा लाइट इन वेट हो जाता है, स्ट्रोंगर एंड मोर रिज्ड, यहाँ पर होगा स्ट्रोंगर भी रहेगा आपका कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए भी आपका ये सुटेबल रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा, ठीक है, और टर्माइट प्रूफ एंड फायर प्रूफ, यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा से भी बचेगा और साथ ही साथ जो आग से भी बचेगा, इट कैन बी यूज फॉर ओवर एनी स्पैन, मतलब कैन बी इसका जो एनी स्पैन के लिए यूज कर सकते हैं, टिम्बर ट्रस अवेलेबल इट टू आपका स्पैन जो होगा उसका 15 meters का होगा, 15 meters से हम लोग ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं कि जितने भी सारे जो कवरिंग मटेरियल है तो कवरिंग मटेरियल के बारे में आपका देख लेते हैं, तो कवरिंग मटेरियल क्या होता है कि जो मेरा पार्लिन, ठीक है, जो राफ्टर है, राफ्टर के ऊपर में हम लोग जितने भी सारे जो है यूज करते हैं, ये आपका राफ्टर है, ये आपका उधर से आया राफ्टर, राफ्टर के ऊपर में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, इसके ऊपर में हम लोग यहाँ कवरिंग मटेरियल को यूज किए, इसका नाम क्या है?